दरोगा जो बहाली के लिए जो लड़के जो थे उनका क्वेश्चन आउट हुआ। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। दरोगा बहाली को लेकर के जो संग्राम है अभ्यर्थियों का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना की सड़कों से लेकर के बिहार भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन के बाद अब तमाम अभ्यर्थियों ने तेज प्रताप यादव से इंसाफ के लिए गुहार लगाई है, उनसे मुलाकात की है। उनके आवास पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि दरोगा अभ्यर्थी उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, उन तमाम लोगों के जो मुद्दे थे उनको आगामी विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने दरोगा बहाली को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे बयान में। दरोगा जो बहाली के लिए जो लड़के जो थे उनका क्वेश्चन आउट हुआ, कुछ संख्या में आकर के हमसे मिलने का भी काम किए और अपना मेमोरेंडम देने का काम किए। 24 तारीख को हाउस खुलेगा, उसमें हम इसको आवाज़ उठाने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? हाँ, पोस्टर लगाया है, ये जो है तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, पिछले दिनों हमने इसको लॉन्च करने का काम किया। जिस तरीके से हमारा जो कार्यक्रम पूरे बिहार में लगा हुआ है, बिहार सरकार को हमको जवाब देना है, जनता के बीच में जाने का हमको काम करना है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने जितने भी छात्र के नौजवान हैं, तमाम लोग ये लोग होर्डिंग को लगा रहे हैं और अपनी सरकार मतलब जनता को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को ठगा गया, नौजवानों को ठगा गया, महिलाओं के पर लाठीचार्ज किया गया। और आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव ने जहां दरोगा बहाली के अभ्यर्थियों को लेकर के जो संग्राम की स्थिति है उस पर तो अपनी बात रखी, साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए जो नया पोस्टर जारी किया है उसे अपने घर के बाहर लगवाया है। तस्वीरें हैं उसी पोस्टर लगाने के दौरान की, जिसे आज तेज प्रताप यादव ने अपने घर के बाहर में लगाया है। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं उन तस्वीरों के साथ, देखिए किस तरीके से भाई तेजस्वी के लिए तेज प्रताप यादव पूरा माहौल बनाने में लग गए हैं।